नमस्कार सर, अनिल ऑडियो सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। सर ये हमारे पास चीज जो है स्कोडा का सुपर का, इसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मैकेनिक या जो एसी रिपेयर करने वाले हैं उनको ना खोलने का आइडिया नहीं रहता, तो पेचकस से ऊपर से लॉक खोल देते हैं इसका। तो लॉक खोलने के बाद क्या रहा होता है, इसके पीछे एक रिबन लगा होता है, रिबन खींचने से टूट जाता है। रिबन का लॉक टूटने के बाद उसका रिबन का साइज छोटा होने के कारण वो उसमें नहीं लग पाता और उल्टा सीधा या टेढ़ा लगने के कारण पीछे इसका कार्ड खराब हो जाता है। तो इस चीज के पास हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हम इसको रिपेयर भी करते हैं, रिबन भी नया डाल देते हैं और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है मदरबोर्ड भी रिपेयर करते हैं। अगर आपके स्टीरियो में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप ला सकते हैं। ये स्कोडा सुपर का जो स्टीरियो मैंने बताया था आपको, उसको चेक करते हैं। पैनल खुला हुआ ही लाया है मेरे भाई, इसके अंदर रिबन वगैरह सब कटे हुए हैं, लॉक टूटे हुए हैं। अब इसमें रिबन हमने नया डाल के चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। रिबन में भी दिक्कत थी, लॉक भी टूटा हुआ था, लॉक भी बना दिया है और उसके आगे क्या है किसी ने गलत रिबन लगाया था, तो उसके कारण इसके मदरबोर्ड में भी दिक्कत आ गई थी। मदरबोर्ड के अंदर भी इसके आईसी शॉर्ट हो जाते हैं, वो मैंने डाल के चीजें ओके कर लिए और चेक कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर ये स्टीरियो ओके हो गए, इसके मदरबोर्ड में भी दिक्कत आई थी, हमने वो भी रिपेयर कर दिया, रिबन भी नया डाल दिया, लॉक टूट गया था उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम करना पड़ा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम इसको ना टेबल पे चेक नहीं कर पाएंगे, ये जिस गाड़ी का स्टीरियो है अगर हम उसी में लगाएंगे तो ये डायरेक्ट लगाते ही ऑन हो जाएगा, अगर हमें किसी दूसरी गाड़ी में लगाना तो हमें इसका पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड हमारे पास है नहीं। तो मेरे भाई जो लाए हैं तो उस गाड़ी में जाके लगाएंगे तो डायरेक्ट सारे फंक्शन काम कर जाएंगे, तो हम दे देते हैं इनको, बाकी गाड़ी में लगा के चेक कर लेंगे। ये हमारे भाई साहब है जिनका स्टीरियो है, हम इनसे पूछेंगे और अपना क्या हो इनके साथ अपनी डिटेल बता देंगे। सर क्या नाम है आपका? अरुण। तो आपके स्टीरियो में क्या प्रॉब्लम आई थी आप हमारे पास लाए? मैं लेके गया था इसे मैकेनिक के पास, मुझे एसी चेक कराना था, एक्चुअली एसी का मॉड्यूल काम नहीं कर रहा था, तो उसको मैंने बोला कि एसी वर्किंग नहीं है, तो उसने फिर इसको चेक किया तो ऊपर से पेचकस से निकालने लगा। मैंने उसको मना भी किया था कि भाई यहाँ से निकालो, कुछ आवाज आ रही है, आई थिंक इसके लॉक टूट गए। तो उन्होंने देखा तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा आप चुप बैठो मैं कर रहा हूँ। मैं चलो ठीक है, उन्होंने निकाला तो बाद में देखा तो स्क्रीन नीचे लटक गई इसकी, मतलब पीछे जो पत्ता लगा होता है उसका लूज हो गया। ज्ञान की कमी होने के कारण से ये दिक्कत आई है, अगर उसको पता होता तो दिक्कत नहीं आती। उनको वही चीज बोली थी, अब बाद में फिर उन्होंने ये निकाला, उसके बाद अगर बाद में जब उन्होंने चेक किया सब कुछ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूज खराब निकले, बाकी इसको खोलने की जरूरत थी नहीं, बट उन्होंने थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑनर ही बने ना ज्ञान देने वाले, तो उन्होंने वो कर दिया। चलो फिर आपके पास आए, बस आपने कर ही दिया इसका समाधान। चलो कोई बात नहीं, अगर मान लो मैं ये चाहता हूँ किसी भी भाई का नुकसान ना हो, अगर किसी को खोलने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब के अंदर ना बहुत सारी वीडियो डली रहती है, आप खोलने का तरीका वहां से देख लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, किसी भी भाई का नुकसान नहीं होगा। अगर अगर आपका रिबन निकल भी गया है इसके अंदर तो हम ये चाहते हैं इसका रिबन क्या है, रिबन निकल गया तो आप हमारे पास ले आइए,
हम आपका कम से कम खर्चे में काम कर देंगे। अगर आप पीछे का आईसी या कार्ड शॉर्ट हो जाता है तो उसमें खर्चा भी ज्यादा आने के चांस रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई का नुकसान ना हो, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट ले आइए, रीजनेबल रेट में काम हो जाएगा आपका।